रब मुझको बुलाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर शहबाज नेटवर्क सब्सक्राइब करें। बोले मोहम्मद बोले खुदा फरमान न बदला चाहेगा बदले का जमाना नाक मगर कुरान न बदला। वाह 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 इतना सुनना था उसने कहा मैं तेरे बाप का पचा पूछ रहा हूँ। बच्ची ने अंदर से जवाब दिया था मैं अपने बाप का पता ही बता रही हूँ उसके सिवा कुछ और नहीं कह रही हूँ। उस बच्ची का कहना था मेरा बाप मैदान गया है खेत में गया है जब शाम होगी सूरज ढल जाएगा उसके बाद वो घर को वापस आएगा। अभी फा अपिल फया भी सयफी उल्फी फा इसका जवाब उस बच्ची ने दिया था मगर वो मुल्क फारस का रहने वाला जर्रा बराबर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कह रहा है कह रही है बच्ची तो क्या कह रही है। जब आखिर में बच्चों की तरह सवाल करने लगा कि मैं तुम्हारे बाप का पता पूछ रहा हूँ बताओ तब उसके माँ ने अंदर से पूछा था बच्ची दरवाजे पर कौन है बता तो जरा सही वो क्या पूछ रहा है। तब बच्ची ने कहा था मेरी माँ ये कोई अजमी है जो आकर मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बाप का पता पूछ रहा है। बच्ची ने कहा था कि तू अजमी है तब उसने वापस लौट करके खाने काबा में पहुंच करके जब शोरा और खुशहाल से मुलाकात की थी सब लोगों ने पूछा था बता तुझे अरब के सर्टिफिकेट अरबी के सर्टिफिकेट मिली कि नहीं मिली तब उसने कहा कि जब उस बच्ची के सवालों का जवाब मेरे पास मौजूद नहीं तो उसके बाप के सवालों का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा ये खाने काबा है और ये अरबी है जिसका कोई जवाब नहीं। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत ऑल इंडिया नाफिया मुशायरा। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब खुला वाह कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता बहुत अच्छे वाह वाह कहा तू अरबी नहीं बल्कि अजमी है बच्ची ने बता दिया छोटी सी बच्ची थी उसने बता दिया। अब जरा देखें ये अरब का वो माहौल था तब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और वक्त का लिहाज रखते हुए आप धीरे से मेरे कलाम को सुनते चले जाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बड़े बड़े फसहा और बुलागा खड़े थे और खड़े होने के बाद पूछा था ये बताओ ये अरब की दहलीज है जहाँ पे फसाहत और बुलागत काम करती है क्या कोई और चीज काम नहीं करती है। तब मक्की सरदार मदनी ताजदार ने पूछा था कि तुम चाहते क्या हो आखिर तुम्हारी चाहत क्या है। तब उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज पेश करो तब अल्लाह के प्यारे महबूब ने कलामे पलीद को पेश किया था। तब लोगों ने कहा था कि ये तो किसी इंसान का कलाम है ये तो परवरदिगार का कलाम नहीं है। तब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इंसान का कलाम है वइन कुंतुम फी रायबिम मिम्मा नज़ला अला अकरा फातु बिसूरतिन मिन मिथलि फदू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम शक में हो कि मैंने अपने महबूब पर जो नाजिल किया है वो मेरा कलाम नहीं है तो तुम उसी की तरह एक सूरत ला करके दिखाओ उसी की तरह एक आयत ला करके दिखाओ। फइल्लम तफालू वलम तफालू तुम हरगिज नहीं कर सकते खुदा की कसम हरगिज नहीं कर सकते। यही फसहा और बुलागा खड़े थे तब आका ने फरमाया था ठीक है एक सूरत नहीं ला सकते तो एक आयत लेकर के आओ। तो बड़े बड़े फसीह और बड़े बड़े बलीग खड़े हुए थे कहा था हम अकेले नहीं ला पाएंगे। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया था अगर तुम एक दूसरे के मुसाइब बन जाओ एक दूसरे के मेहनत वाले बन जाओ एक दूसरे पर क्या कहते हैं ताइफ करने वाले बन जाओ और हजार मिल जाओ जिन्नात नहीं इंसान नहीं पूरी उम्मत मिल जाए और परवरदिगार के कलाम की तरह कलाम लेकर के आए। तब सारे फसहा और बुलागा ने महीनों भर मेहनत की थी महीनों भर मेहनत करने के बाद आए थे प्यारे मुस्तफा के सामने खाने काबा के सामने यही कहा था मेरे जबान में मेरे मुंह में जबान नहीं है कि कलामे पलीद की तरह कोई कलाम लेकर के आए। यही रवायत बरेली के मुजद्दिद तक पहुंची तो आका इमाम अहमद रज़ा खान तड़प के पुकार उठे अरे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सामने है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े कोई ताने मुंह में ज़बान नहीं नहीं बल्कि जिसमें हाय हाय वाह 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 बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे वाह ताने मुंह में ज़बान नहीं अरे जिंदाबाद जिसमें जान वाह 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 अरे कुरान का जवाब कैसे लेकर के आप आएंगे सुभान अल्लाह। ये कुरान कोई आम कुरान नहीं जिंदाबाद कोई आम कलाम नहीं है। क्या कहा था मलून रिजवी ने बहुत बोलो क्या कहा था 26 आयते करीमा की याचिका उसने दायर की थी इसे निकाला जाए लाने की थी उसके बाप दादा परदादा लकर दादा की कुव्वत ना हुई बड़े बड़े बाप चले गए है कि नहीं जहन्नम में पहुंच के लाने की तो हिम्मत ना हुई अब निकालने की हिम्मत हुई
या ऐसे बहुत से लोग थे। आओ मैं आपको बताता हूँ दरबार नबूवत की बात बताता हूँ, वो खुलफाए राशिदीन की बात बताता हूँ। तारीख इस्लाम अल्लामा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े है सुकून इत्मीनान से। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है हाथ उठा करके बताएं। मैं समझना चाहता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बात सख्त हो रही हो। फिर बाद में जनाबे अनवर साहब पहले की तरह कहें हजरत कुछ ज्यादा टाइट बात कर देते हैं, लोगों के बात समझ में कम आती है, अरबी का तर्जमा कर दिया करें। कभी कभी ऐसा होता है नाजिम साहब कि मैं खुद सोचता हूँ कि मेरी तरह लोग अरबी यही समझते हैं, इसलिए कभी तर्जमा करने की जरूरत भी नहीं महसूस होती। मौजूद थे चले गए। अच्छा फायदे आ रहे हैं किसका दौर था? खलीफे सोम हजरत सैयदना उस्माने गनी रदियल मौला तआला का दौर था। कहां से चलकर एक वफद आया था? इंताकिया से चलकर के आया था जिसे शहर हीला कहते हैं। ये उलमा जानते हैं इनको, ये वो शहर था जिसमें हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम हजरत सैयदना खिज्र अलैहि सलाम दोनों आए, और आने के बाद तुमन तलका हिता इदा अताया अहला करियन इस्तताअमा फाबौ अन युदयिफूहुमा फाबौ अन युदयिफूहुमा। कुरान पाक की आयत करीमा जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं, तुमन तलका हत्ता इदा अताया अहला करियन इस्तताअमा। जब हजरत मूसा और खिज्र अलैहि सलाम उस शहर में दाखिल हुए, शहर अंताकिया में कहा मेरी खिदमत करो, मेरी जियाफत करो, मैं उम्मत का नबी हूँ, तब लोगों ने क्या कहा था? फाबौ, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया था। क्या किया था? इनकार कर दिया था, हम तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम है, हजरत खिज्र अलैहि सलाम है। वही खिज्र सुबह उठते हैं तो देखते हैं उसी शहर की एक दीवार गिरने जा रही है, हजरत खिज्र उसको सही करने जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम जलाल में आ गए, कहा जिस कौम ने मुझे खाना नहीं दिया उसी कौम के दीवार को आप सीधी कर रहे हैं, आप कैसे हैं? तो हजरत खिज्र अलैहि सलाम ने कहा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकते? सब्र करो, इसका जवाब बाद में मिलेगा। अब सुने, मैं पूरी रवायत बयान करने नहीं आया हूँ, मैं पूरे वाकये को अगर बयान करूंगा मेरा वक्त गुजर जाएगा, मकसद हल नहीं होगा। हजरत सैयदना, यही तो वसीम रिजवी ने कहा था, ये 36 आयतें हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक आजम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के तरफ से है, यही तो कहा है। ये उनके ज़हन और फिक्र का नतीजा है, ये कुरान बलीग नहीं है, कलामे बलीग नहीं है, 26 आयत है। जरा उनके खानदान से पूछा जाए, जरा जाकर मलूनियत से पूछा जाए, जरा जाकर मर्दूदियत से पूछा जाए कि 26 आयतें पर हजरत अबू बकर और उमर का अगर एहसान है उन्होंने किया, तो पूरे कुरान पाक को किसने लिखा है? वाह, पूरे कुरान को किसने लिखा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दस्ते पाक से लिखा नहीं जी, नहीं लिखा, सहाबा ने लिखा। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? तो सहाबा ने लिखा, तो सिर्फ यही 26 आयतें थी पूरे कुरान पाक में, 6666 आयतें तुम्हारी नजर से गायब हो गई थी क्या? नहीं। ज़हन और फिक्र को हासिल करो। मोइनुद्दीन नज़री आपको बताना चाहता है कि सहाबा कितने मोहताज थे कुरान पाक को पेश करने में। यही जमात शहर अंताकिया की चल करके हजरत सैयदना उस्माने गनी के दरबार करम में हाजिर हुए। सैयदना उस्माने गनी, बोलो कहना क्या चाहते हो? आप हमारे सरदार हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खिलाफत के हकदार हैं, आप खलीफा हैं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत का ताज आपके सर पे है, एक काम कर दे। पूछा क्या? कहा इस आयत करीमा में सुम्मन तलक हत्ता इदा अताया अहले क़रियतिन इस्तताअमा अयुदय्युहुमा फाअबौ, है कि नहीं? उन दोनों ने, उन लोगों ने इनकार कर दिया, कहा फाअबौ है ना, फाअबौ अयुदय्युहुमा, इनकार कर दिया कि उनकी ज़ियाफ़त करें। का अबौ को बदल करके बा का जो नुक्ता, ये उलमा है जानते हैं, जो अरबी पढ़ते होंगे वो भी जानते हैं, कहा बा का नुक्ता बदल करके ऊपर में ता का नुक्ता रख दीजिए, बा को हटा करके ता रख दीजिए, तो अबौ के बदले अतौ हो जाएगा, और जब अतौ हो जाएगा तो अतायाती से अतौ, जब खाना मांगा तो वो खाना लेकर के आए, ये लिख दीजिए, बस ये कर दीजिए इतना, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे कौम की बेइज्जती हो रही है, हमारे शहर की बेइज्जती हो रही है कि अल्लाह का मुकद्दस नबी दाखिल हो और हम उसको खाने से इनकार कर दें, ये कयामत कयामत तक बेइज्जती होती रहेगी, लिहाजा आप ऐसा करें। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर है, आप ऐसा करें कि एक नीचे के नुक्ते को हटा करके ऊपर दो नुक्ता रख दें, अबौ की जगह अतौ कर दें। क्या करें? अतौ कर दे। इसका माना क्या होगा कि जब हजरत मूसा और खिज्र अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा तो वो खाना लेकर के आए,
इज्जत की बात हो जाएगी, भाई खाना हमने पेश कर दिया, ये बात कयामत तक बेहुर्मती तो नहीं होगी। शहरे इन ताकिया को लोग तो बुरे में गर्दानेंगे नहीं। हजरत मौला उस्माने गनी रजी अल्लाह तआला खड़े हो गए, आंखें अश्कदार हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया। हजरत मौला उस्माने गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नादानों तुम्हें पता नहीं किस चीज के बारे में कलाम कर रहे हो, खुदा की कसम उस्मान की पूरी उस्मान के पूरे खानदान अगर लग जाए, पूरा अरब अगर लग जाए, एक मुद्दे को हटा करके ऊपर मुद्दा रखने के लिए अगर ये तैयार हो जाए तो खुदा की कसम पूरी दुनिया से उस्मान जंग करने को तैयार है, पर एक नुक्ता बदल नहीं सकता है। ये गलामे बलीग है जिसके बारे में बच्चा बच्चा कहता है कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फिरदौसी दूल्हा मखदूमी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आर इंडिया नातिया मुशायरा हजरत अल्लामा सैयद आसिम मियां साहब क़िबला फिरदौस। नारे तकबीर, मखदूमी दूल्हा हुजूर सैयद आसिम मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद आसिम मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता बिल्कुल छोड़ दीजिए, हजरत को आने दीजिए। अभी बाद में प्रोग्राम के बाद मुलाकात कीजिए आप हजरत। रास्ता छोड़ दीजिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोल दें, हाथ उठा करके बोल दें। अब जियारत भी कर रहे हैं और शेर को भी सुन लें, निस्बत को मुत्तसिल कर दें। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब देखें उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, रफीक साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके और अहबाब जनाब नूर आलम साहब क़िबला नूरी और दीगर अहबाब तशरीफ फरमा हैं, जनाब जाकिर इस्माइली साहब बहराइच शरीफ से भी तशरीफ ला चुके हैं। आप बैठे, इंशाल्लाह ताला सबको समाप्त करेंगे। देखें, मैंने जो रवायत पेश की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब खामोश हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये वो नहीं थे बल्कि ये अरब थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने कहा, खुदा की कसम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और बा के नुक्ते के नीचे के नुक्ते को हटा करके ता के नुक्ते पर ता पर यानी दो नुक्ता ऊपर रखे, अबव की जगह अतव कर दे, की जगह अतव कर दे। खुदा की कसम ये उस्मान पूरी दुनिया से जंग करने को तैयार है, एक नुक्ता बदलने को हजरत सैयदना उस्मान गनी तैयार नहीं है। और नादान का दावा है कि 26 आयतें इनकी तरफ से हैं, कहो माज अल्लाह रब्बिल आलमीन, सत बार माज अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने समझा क्या है कि ये अल्लाह तबारक तआला जिनके दिल को मुनव्वर करे उसका आखिर अल्लाह तआला उस पर कैसे फैजान को जारी करे। समझे और सुने, एक में जमाने के दबार से एक साइंस दा की बात, साइंटिस्ट की बात मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि इस बात की वसाकत हो जाए कि आखिर कुरान पाक है क्या और अल्लाह ताला जिसके दिल को मुनव्वर करता है, ये उलमा बैठे हुए हैं इनसे पूछे, जिसके दिल को मुनव्वर अल्लाह ताला फरमाता है आखिर उसमें होता क्या, अल्लाह ताला कैसे अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जारी और सारी फरमाता है और कुरानी फैजान कैसे। एक बंदा है जो यूएस के यूनिवर्सिटी में, वियना यूनिवर्सिटी में, जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया बल्कि ये कह लीजिए कि वहीं पर हिटलर ने भी पढ़ा था और फेल हुआ था, वहीं पर फेल हुआ था। उसमें उसने न्यूरोलॉजिस्ट में एमडी किया था और एमडी करने के बाद पूरी दुनिया के डॉक्टर ने, पूरी दुनिया के माहिर नफ्सियात ने उसे नोबेल प्राइज दिया था, सिगमंड फ्रायड उसका नाम था। उसको देखा है जब वो स्टेज पर खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद उसने क्या दावा किया था मालूम है, इन्ना लिल जिस्म सलासत अशियाई मुल्तज़िमतुन,
जिस्म की तीन चीजें हैं जो लाजिमी तौर पर उसके जुज में से है, उसके हकीकत में से है। पूछा कौन? का अल अव्वलु हुवा नफ्स, वसानी हुवा कल्ब, वसालिस हुवा रूह। तो पहले नफ्स है, दूसरा कल्ब है, तीसरा रूह है। अल्लामा सलाम साहब क़िबला तशरीफ फरमा, खतीबुल खतीबुल हिंद, आप देखें इनको भी जायजा लें और देखें। इंशाल्लाह आप तमाम हजरात के बाद दीगर सबको समाप्त करेंगे। सुने तो उसने कहा था जिस्म के तीन, बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ बॉडी स्ट्रक्चर को बयान करते हुए फरमाया थ्री पार्ट्स इन द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर। इंसान के जिसमें तीन पार्ट्स हैं जो लाजमी हकीकत के तौर पे इसलिए एक फरमाते हैं। वो कहता है कि ये ऐसी हकीकत इसको झुठलाया नहीं जा सकता। पूछा पहले क्या है? फरमा पहली चीज का नाम आईडी है, दूसरी चीज पूछा दूसरी चीज का, दूसरी चीज का नाम ईगो है, तीसरी चीज व्हाट इज द थर्ड पार्ट, तो कहा तीसरी चीज है सुपर ईगो जिसको रूह कहते हैं। पहले नफ्स है जिसको आईडी बोलते हैं, दूसरे को ईगो जिसको कल्ब बोलते हैं, तीसरा क्या कहते हैं सुपर ईगो जिसको रूह बोलते हैं। ये तीन किस्में बयान किया तो पूरी दुनिया ने उसे दादो तहसीन से नवाजा था। वो अपनी उम्र के उस उम्र में पहुंचा था जिसे कहते हैं हद्द कमाल को 40वें साल पार गया है। तब उसने इस क्या सूरत को बयान किया था, इसी सूरत को देखो। 1856 में पैदा हुआ था यूएस में और उसने यूनिवर्सिटी में एमडी किया था, मगर उसी वक्त में 1856 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक शहजादे को रोहिलखंड में भेजा। वाह 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 वाह, रोहिलखंड जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते आप लोग? बरेली शरीफ का पुराना नाम रोहिलखंड है। अब हाथों को उठा करके बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ को रोहिलखंड बोलते हैं, आज बरेली शरीफ है, कल का अपना पुराना वो रोहिलखंड है। जी, उसको देखें आप तारीखी हवाले से। एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा कितनी उम्र का था? 2.5 साल का था, सिर्फ 2.5 साल का, इससे बड़ा नहीं था, 2.5 साल का था। तवाइफ का आपके दरवाजे से, उस बच्चे के दरवाजे से गुजर हुआ। तवाइफ जानते हैं आप, नाचने गाने वालियां औरतें, वो जो बिल्कुल नंगी सूरत में होती है, है नहीं? आप देखते हैं उन्हें, बिल्कुल देखने के बाद आपको शर्म महसूस होगा, इतने मेकअप और इतनी सारी चीजें। वो तवाइफ गुजर रही थी तो उस बच्चे ने क्या किया था, अपने कुर्ते के दामन को उठा करके आंखों पर पर्दा कर लिया था। क्या किया था? कुर्ते के दामन को उठा करके आंखों पर पर्दा कर लिया, ऐसे उठा करके और पर्दा कर लिया। जब पर्दा कर लिया तो उन्हीं तवायफों में से एक तवायफा ने कहा कि ये कैसा बच्चा है जिसको ढकना चाहिए उसको ढक नहीं रहा है, और जिसको नहीं छुपाना चाहिए वो छुपा रहा है, जिसको नहीं छुपा। कितनी साल उम्र है? 2.5 साल की उम्र है। 2.5 साल की उम्र में उस बच्चे ने कहा था कि तुझे पता नहीं मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं तो अपनी आंखों को छुपा रहा हूँ। तो कहा आंखों को छुपाने से पहले सत्र को छुपाना चाहिए, तो सत्र को नहीं छुपा रहा है, तू अपनी आंखों को छुपा रहा है। कुर्ता तुझे सत्र पर पड़े रख लेना चाहिए, लेकिन तूने कुर्ते को उठाकर अपनी आंखों पर रख लिया। तब उस वक्त उस बच्चे ने कहा था, जिसको दुनिया अहमद रजा के नाम से याद करती है, उसी बच्चे ने कहा था खुदा की कसम जिसमें तीन चीजें हैं, अरे वो जब यूनिवर्सिटी में एमडी किया तब जाकर कई हकीकत का जायजा लिया। अरे 2.5 साल की उम्र में मेरे इमाम अहमद रजा खान फजले बरेली इस्लाम ने फरमाया जिसमें की तीन चीजें हैं, एक तो नफ्स है, एक तो रूह है, एक तो कल्ब है। इन तो रूह और नफ्स के दरमियान जो इख्तलाल पैदा करती उसी को दिल कहते हैं। तब उस तायफा ने कहा था, कसम उस खुदाएगा तहुला शरीर के जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है, अगर बच्चे के बचपने का ये आलम है तो जवानी में अल्लाह कितने उलहों में चढ़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब बचपन में इस बच्चे के दिल को अल्लाह ने इतना मुनव्वर कर दिया कि 2.5 साल, जबकि उसी सेगमेंट फ्राई ने जब तीन किस्में की थी तो तीन किस्में करने के बाद कहा था नफ्स का गलबान कब तक होता है मालूम है? पैदा होने से 3 साल तक नफ्स का गलबा होता है। बच्चा अक्सर चीजों को चुरा के ले जाता है और समझता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसको इतनी अकली नहीं होती कि वो समझ जाए लेकिन मैंने गलत काम किया है। 3 साल तक नफ्स का गलबा रहता है, 3 साल से लेकर 6 साल तक कल्ब का गलबा रहता है। वो कल्ब जो एतदाली सूरत होती, जो मेडिल और मुतवस्सित सूरत होती है, उसका गलबा रहता है। और 6 साल से आखिरी की उम्र तक दर्रा काम करती है, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने रूह के काम को मुनव्वर किया है, रूह के काम को मुरत्तब किया है, यही कहा था। मगर इमाम अहमद रजा खान ने 2.5 साल की उम्र में ताइफा को बता दिया था, तवाइफों को बता दिया था कि सुनो ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये अल्लामा नबी अली खान की सूरत है। पूछा गया था, अरे 2.5 साल के बच्चे तू सिर्फ इतना बता दे इस उम्र में किसका फैजान तुझ पर है, तुम्हारे हला की तरफ इशारा किया था। कहा नबी और आले नबी का सदका है। पूछा दलील क्या है? तो जवाब दिया, अरे रजा ये
गई मेरी गजल पर कर कसीदा। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह वाह हो गई मेरी गजल बहुत अच्छे बहुत अच्छे कसीदा नूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा था 2.5 साल मत देखो बल्कि ये देखो दस्ते पाक वफा है। ये तो खानदान महाराजा शरीफ का है, सैयदी अहमद नूरी मियां का है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान जब सादात इकराम का हो जाए तब फिर बात कुछ और हो जाती है। जरा ज़हन को हाजिर करो। एक आखिरी बात मैं चाहता हूँ, वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे शोरा और उलमा तशरीफ लेकर के आए। मैं नहीं चाहता कि वक्त ज्यादा हो जाए और आप परेशान हाल हो और दूसरे जो हमारे अहबाब दूर दराज से चलकर। एक आखिरी रवायत बस आखिरी रवायत आखिरी बात मैं अब आपके अरब से कोई रवायत पेश नहीं करूंगा, ना तो हिंदुस्तान से खारिज होगा। उस हिंदुस्तान की बात मैं करने जा रहा हूं जिसके सिलसिले में हजरत मौला अली करमल्लाह करीम ने फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने नवी सदी के मुजद्दिद हैं, उन्होंने अपनी तफसीर तफसीर दुर्रुल मंसूर में सूरतुल अहकाफ में इसकी तशरीह करते हुए फरमाए, हदीसे पाक पेश की, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح و توضیح کر کے فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول خیر واد للناس وادی مکہ وواد نزل به آدم ارض الہند۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے بہترین وادی وہ ہے جسے مکہ المکرمہ کہتے ہیں، جہاں پر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے۔ पूछा दूसरे मरहले पर फिर किसका नतीजा है, अर्दे हिजाज को यानी मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर दूसरे मरहले पर किसकी किसकी किस्मत पलट हुई किस सरजमीन की। तब हजरत मौला अली रदियल मौला ताला आप इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, वस्तानी अर्दुल हिंद नज़ला बिही आदम वही अर्दुल हिंद। फरमाते हैं दूसरे नंबर पे उस सरजमीन को जिसे अर्दुल हिंद कहते हैं, जहां पर हजरत आदम अलैहि सलाम नाजिल हुए। उन्हीं के बेटे हजरत सैयद आशीष अली सलाम के आमाजगाह के सज्जादा नशीन आप तमामी हजरत के माबैन तशरीफ फरमा है। देखें और ज़हनों फिक्र को हाजिर करें। आखिरी बात इसी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को आप क्या समझते हैं? इस्लामी मासूरात अगर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक उठा करके देखें तो खुदा की कसम अरब जिस पर रश करे वो अपना हिंदुस्तान है। अरब जिस पर रश करे वो अपना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कोई मामूली क्या कहते हैं जमीन का नाम नहीं है। हजरत सैयदना आदम अलैहि सलाम का नुज़ूल सबसे पहले यही हुआ, फिर हजरत सैयदना मौला अली करम अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं इसी सरजमीन पर एक बादशाह है जिसे दुनिया औरंगजेब आलमगीर कहती है। बोलो हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। जानते हैं आप औरंगजेब आलमगीर को? औरंगजेब आलमगीर कोई मामूली आदमी न था। मैं कुरान पाक के एजाज पर गुफ्तगू कर रहा हूँ और उस गुफ्तगू के जिम्न में इस रवायत को पेश कर रहा हूँ। इसी हिंदुस्तान की रवायत है। तारीख इस्लाम उठा करके देख लो, तारीख फरिश्ता उठा करके देखो, इस्लाम क्या कहते हैं हिंदुस्तान इस्लाम के आईने में ये सारी किताबें उठा करके आप देखो, आपको पता चलेगा सिफत मरजान की आसार हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह की देखो, ये सारी किताबों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान कहते किसे हैं। औरंगजेब आलमगीर जो 500 उलमा को जमा करे और जमा करवाने के बाद जब किताब लिखवाना शुरू करे तो किताब जब मुरत्तब हो जाए तो उसी किताब को दुनिया फतावा आलमगीरी के नाम से जाने। वही जो आज मनहजे हिंद में है जिससे फतवा दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, वही फतावा आलमगीरी फतावा हिंदिया जिसे कहते हैं। भैया तख्ते हुकूमत पर बैठकर लोगों को फैसले सुनाया करते थे मगर रात में अल्लाह के इसी मुकद्दस कलाम की तिलावत किया करते थे। इतना ज्यादा भरोसा था आपको अपनी ज़कावत और फहामत पर कि किसी का जल्दी लुकमा नहीं लेते थे और रमजान शरीफ में तरावी वही पढ़ाते थे और जब उल अम्र में से कोई तरावी पढ़ाए तो उलमा से पूछो कि उसकी बरकतें कितनी होती। तमाम उलमा दूर दराज से चल के जाते हुफाज कुर्रा जाकर के वही जामा मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे, तरावी अदा किया करते। और वो किसने बनवाया था? उसी के बाप शाहजहां ने उसकी बुनियाद रखी थी। शाह आप जानते हैं ना दिल्ली के जामा मस्जिद की बुनियाद शाहजहां ने रखी थी। आप जिसको देख रहे हैं उसकी तारीख अगर मैं बयान करने लगूं तो आप तारीख में हैरत करेंगे, जिसके एक ईंट ईंट को उन्होंने जिन्होंने बावजू होकर मुकम्मल वक्त पर नमाज पढ़ी हो और मुकम्मल हाफिज़े कुरान हो जिसकी बुनियाद ऐसे रखी गई थी सुनाए, उसी के मिंबर पर खड़े होकर उन्होंने पढ़ा था और पढ़ने के बाद शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को पता चला, जो इलाहाबाद की सरजमीन के है बहुत तारीखी जगह है, इसी इलाहाबाद की सरजमीन से अल्लाह के मुकद्दस वली सैयदना मुहिबुल्लाह इलाहाबादी है दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचते हैं। पक्का बादशाह औरंगजेब आलमगीर है, औरंगजेब आलमगीर आगे बढ़ता है और पढ़ने के बाद मुसल्ले इमामत पर खड़े होता है, अफ्तारी की नमाज में सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर देता है। पीछे खड़े होने से सैयद मुहिबुल्लाह इलाहाबादी सैयदी मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह तआला
है, आप सुन रहे हैं, समाज कर रहे हैं, समाज कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया था कि जहां पर जबर पड़ना था बादशाह ने जियर पढ़ी थी, और जियर जैसे पढ़ा वैसे शेख महबूबुल्लाह इलाहाबादी ने लुकमा दिया, बादशाह से लुकमा दिया कि बादशाह फिर से गर्दाने, फिर से इस आयत को पलटे और फिर से आयत की तस्हीह करे। बादशाह ने लुकमा ना लिया, दूसरी मरतबा वक्त के बाद सिकंदर हजरत सैयदी महबूबुल्लाह इलाहाबादी ने दूसरी मरतबा लुकमा दिया, फिर भी बादशाह पलटा नहीं, तीसरी मरतबा लुकमा दिया। जब कसरत मौजूद हुई तब का बादशाह पीछे से लुकमा लेता है और लेने के बाद तरकर नमाज अदा करता है। तरकर नमाज अदा करने के बाद मसल्ले पर खड़ा होता है और पूछता है, बता औरंगजेब आलमगीर को लुकमा किसने दिया? कौन है जो वक्त के बादशाह औरंगजेब आलमगीर को लुकमा दिया? वक्त के सैयदी मुहिबुल्लाह इलाहाबादी, जिनका दिल मुनव्वर था, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के मुकद्दस वलियों में थे, दिल मुनव्वर था, खड़े हो गए, कहा मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने दिया है। कहा आपने कैसे लुकमा दिया? मैंने तो सही पढ़ा है। कहा औरंगजेब तूने गलत पढ़ा है। कहा नहीं आपने गलत लुकमा दिया है। कहा नहीं तुमने गलत पढ़ा है। कहा आपने गलत लुकमा दिया है। उलमा मौजूद थे, उफाज मौजूद थे, कुर्रा मौजूद थे, जिसमें से आधे इधर हो गए और आधे इधर हो गए। कुछ लोग उसमें से कह रहे थे औरंगजेब ने सही पढ़ा, और कुछ लोगों ने कहा शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने सही लुकमा दिया है। इख्तलाफ हो गया। उसी कुरान पाक के एक जबर जेर का मसला था। आज तो 26 आयत का मसला और आप खामोश बैठे हैं। शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी एक जबर जेर पर आपने लुकमा दे करके पूरी दुनिया को बताया था कि मसल्ले पर खड़ा होने वाला चाहे वक्त का बादशाह हो, कुरान पाक के इख्तलाफ पर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता। किसी से समझौता नहीं किया जा सकता। तो पूछा था आपने कैसे लुकमा दिया? कहा ऐसे नहीं, उलमा ने कहा इसके तजवीज की सबसे पहली सूरत है जामा मस्जिद में जितने मसाहिब मौजूद हैं उन मुसाहिब को जमा किया जाए, और जमा करने के बाद देख लिया जाए लिखा क्या है। उफाज आधा इधर है, आधा इधर है, कुर्रा आधा इधर है, इधर है। उलमा भी क्या कहते हैं, उलमा तो शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ही की तरफ थे, क्योंकि उन्होंने चेहरे को देखा तो जान लिया, क्योंकि उलमा को पता होता है जिसके चेहरे को देख कर अल्लाह याद आए उसी को वली अल्लाह कहते हैं। अब कहा मसाहिब लेकर के आओ। 11 मसाहिब थे, कितने मसाहिब थे? 11 तरह की लिखी हुई किताबें, अल्लाह की मुकद्दस किताब उसी जामा मस्जिद में मौजूद थी। 11 को पलटा गया, पलटने के बाद एक को पलटा जाता तो शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की ताईद में, दूसरे को पलटा जाता तो शेख क्या कहते हैं औरंगजेब आलमगीर के ताईद में, दूसरे तीसरे को पलटा जाता शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की ताईद हो रही है, चौथे को पलटा जाता तो औरंगजेब आलमगीर की ताईद हो रही है। इसी 56 में थे तब 5 नुस्खे शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी के ताईद में निकले, 6 नुस्खे औरंगजेब आलमगीर के ताईद में निकले। जब 6 नुस्खा औरंगजेब आलमगीर के ताईद में निकला तब औरंगजेब ने अपने मौज पर ताव रख करके कहा था कि अब तो मान ले 6 नुस्खे हमारी तरफ, 5 ही नुस्खे आपके तरफ हैं। आज के अगर हुकूमत पर बैठने वाले होते तो कहते 36 इंच का चीना है, नाप लो जो नापना है। यही तो होता है ना, 56 इंच 36 इंच का चीना कहने वालों सुनो, ये उस औरंगजेब आलमगीर की बात हो रही जो रातों रात कुरान पाक की तिलावत किया करता था। अल्लाह अकबर। औरंगजेब आलमगीर ने कहा हजरत आप मान लें 6 किताबें मेरी ताईद में हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब, और 5 आप ही के। सैयदना मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें सुर्ख हुई, चेहरा लाल हो गया, और उस आलम चश्मे आए, आप कैफ में आए, और आने के बाद आपने फरमाया अरे औरंगजेब आलमगीर खुदा की कसम तुम्हें तुझे इसी इंसानों के लिखे हुए किताब पर भरोसा है, खुदा की कसम ये इलाहाबादी की निगाह उठ रही तो लोहे महफूज का नजारा कर रहा है, खुदा की कसम लोहे महफूज पर अल्लाह ने मुकद्दस कलाम के उसी जबर को, उसी जियर को जबर की सूरत में लिखा है। अरे औरंगजेब खान ये किताबें कुछ कह रही हो लेकिन अल्लाह का लोहे महफूज उस पर जो मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है। का हुजूर मुझे नजर नहीं आ रहा है? जरा आप नजरे रहमत फरमाए, नजरे करम फरमाए। अल्लाह के मुकद्दस वली ने दस्ते शक्कर फेरा था, मैं कहे से हैदराबाद उठे थे, वक्त के बादशाह ने देखा था तो लोहे महफूज का नजारा किया था, तब कदमों पर गिर करके कहा था अरे हिंदुस्तानियों के जिस्मोजान और उनके इमलाक पर औरंगजेब आलमगीर जैसे लोग हुकूमत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल पर अगर कोई हुकूमत करता तो कोई और नहीं वही अल्लाह का वली हुआ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह का मुकद्दस वली हुआ करता है। सुभान अल्लाह। कौन थे सैयदी मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने बता दिया था कि एक जबर को जियर पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब जबर जियर का समझौता हिंदुस्तान में नहीं, नुक्ते का समझौता हजरत उस्मान गनी के तौर में नहीं, हजरत अबू जिब्रील अमीन के शान में नक्श की सूरत हजरत मौला उमर रजी अल्लाह तआला के तौर में नहीं, तो नादान तूने कैसे कैसे दिया कि हजरत अबू बकर उमर ने इस पर ज्यादती की है, कुरान पाक की 26 आयतों को इन्होंने लिखा है, नादान तुझे पता ही नहीं है। बल्कि हकीकत तो यह है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून,
मौला ताला ने फरमाया इस कुरान पाक को हम ही ने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं, और जिसकी हिफाजत मौला करे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए उसमें नुक्ते को भी बदल नहीं सकता है। तब बच्चा बच्चा यहीं का बोल पड़ेगा और कह पड़ेगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना नाक नगर, कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह।